आज की वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, कुछ डिफरेंट करने का सोच रहा हूँ, तो प्लीज आपके सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना दोस्तों में, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने थंबनेल देख लिया होगा, ठीक है। तो पूरे दिन का मैं आपको रूटीन बताता हूँ, कैसे कैसे करना है, क्या क्या होता है, और उस जो पर्टिकुलर चीज जिसका मैंने थंबनेल लगाया उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं। गाइस आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि थंबनेल मैंने क्या लगाया, लेकिन एक मेरा एक फिटनेस का चैनल, तो मैं उससे रिलेटेड बताना जरूरी है। तो मैं पहले बता देता हूँ, ये मेरा दोस्त मानव आया लाइट में। हेलो, ठीक है भाई, हिसाब क्या है, इंट्रोड्यूस मैं करा दूंगा, मेरे चार पांच दोस्त हैं, इनके साथ ही व्लॉग बनेंगे सारे, क्योंकि घूमने में जाता हूँ इनके साथ ही जाता हूँ, तो सारा हिसाब वही है। तो मैं बता देता हूँ कि जो जिसके लिए मैं ये वाला पार्ट पोर्शन बना रहा हूँ वो किस लिए बना रहा हूँ, मेरे को पहले से पता था कि रात को शादी में जाना होगा मेरे को, ठीक है। तो मैंने अपने जो मेरा पिछला दिन था, मैंने उस हिसाब से ही अपनी जो मील्स है वो डिज़ाइन कर ली थी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ शादी में। तो बेसिकली हमारी शादियों में होता क्या है, मीठा ज़्यादा होता है, कार्ब्स और फैट की मात्रा होती है जो ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रोटीन कम मिलता है, प्रोटीन का मैं हिसाब बता दूँ, मैंने अपने दिन का प्रोटीन अब तक मैं पूरा कर चुका हूँ, जितनी मैंने मील ली है मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लिया। सुबह उठा, रनिंग करी, जिम गया, उसके बाद मैंने ली पहली मील अपनी 6 अंडे, जिसमें से 4 बॉइल्ड थे और 2 थे वो 4 होल एग थे और 2 थे मेरे एग वाइट्स, ठीक है, और 4 ब्राउन ब्रेड के साथ मैंने वो लिए, ठीक है। उसमें रफली अराउंड मेरे को मिल गया 40 ग्राम के आसपास प्रोटीन। फिर इसी सेकंड मील मैंने ली 12 बजे के अराउंड, ठीक है। उसमें मैंने लिया 150 ग्राम पनीर, 150 ग्राम में मैं आपको सीधा हिसाब बता देता हूँ, 100 ग्राम में आता है 18 ग्राम और 50 ग्राम में उसका आधा लगा लो तो 19 18 और 19 हमारा 30, रफली अराउंड 30 के अराउंड बैठ गया मेरा ये प्रोटीन, ठीक है। तो सुबह मेरा बैठा था 35 से 40 के अराउंड और ये बैठ गया मेरा 20 से 25 से 30 के अराउंड लगा लो, चलो ठीक है, 70 के आसपास ये हो गया। ये मैंने मिली 12 बजे, ठीक है। फिर मेरे को जैसे पता था कि मेरे को रिक्वायरमेंट तो मेरे को पूरी करनी है, तो जो आपकी सोया चंक्स आती है, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि सोया चंक्स बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, क्योंकि आपका जो पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो मेरे को पता था, तो मैं जिस टाइम सुबह जिम जा रहा था मैं तभी अपनी 50 ग्राम जो सोया चंक्स है वो भिगो के चला गया था, ठीक है, जो मेरे को लेनी थी लंच में। लंच में मैंने ली 50 ग्राम सोया चंक्स, जिसमें मेरे को प्रोटीन मिला 20 ग्राम, तो ये टोटल बन के हुआ मेरा 90 के राउंड ये हो गया, ठीक है। और जैसे ही मैंने जिम ख़त्म करा, जिम में ही लिया था मैंने अपना वे प्रोटीन, जिसमें आपको सीधा सीधा मिलता है 25 ग्राम प्रोटीन, तो 100 से ऊपर मेरा प्रोटीन हो गया। तो मैं बेसिकली आपको एक देना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपको फिटनेस में करना है, तो मान लो किसी की शादी है, तो लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, जो आपका मेरे को पता था कि जो हमारी शादी होती है उनमें कार्ब्स और फैट्स ही मिलेगा, हमको मीठा ज़्यादा मिलता है या तो हमको अपना चाइनीज़ मिलेगा, जो अपना नॉर्थ इंडियन फूड भी मिलेगा उसमें भी अपना घी भी ज़्यादा डला होता है, तो उनमें बेसिकली क्या है, कार्ब्स और फैट मिलते हैं, ठीक है। मेरे को पूरा करना क्या था, प्रोटीन पूरा करना था, ठीक है, जो मैं पूरे दिन का अपना कर चुका हूँ और थोड़ा बहुत तो यहाँ से भी आएगा, तो ये रफली अराउंड मेरा 150 ग्राम के आसपास प्रोटीन हो जाएगा। तो आपको यही बताना चाहता था मैं कि अपनी डाइट पे स्टिक रहें, शादी हो कुछ भी हो, शादी वादी तो अपनी 4 घंटे की होती है, ठीक है, नेक्स्ट डे जो हाल होगा और उसके बाद जो हाल होगा वो आपको बहुत बहुत सफ़र करना पड़ेगा आगे तक, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हम किधर आए, उससे ये पूछ लेना किधर रुकना कहा है, मॉल के अंदर ही आ जाए, मॉल के अंदर ही आए हुए, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी गाड़ी मॉल के अंदर, गाड़ी पार्क करो नीचे है, नीचे कर रहा हूँ, ठीक है चलो, ठीक है प्रोटीन की बात कर रहा था मैं, प्यास से भाई ये तो कड़वा करने की बात कर रहे हैं, बाद में पिलाना, पहले प्री वर्कआउट तो पीना, कौन से गाने में नाचोगे बताओ, अरे कौन से गाने में नाचोगे बताओ, मैं नागिने नागिने बोलिए मत, नागिने डांस, चलो आओ, मैं नाचो मीना पे, कौन से पे, मीना, मीना और सकीना,
इश्क जैसे है एक आदि, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे में बस है दुनिया का हर इंसान, इश्क में सब दीवाने, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान, देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने ये परवाने हैं, इश्क में कैसे गुम हाय, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे पता कौन है बॉडी भाई दिखाता है जो जिम का ट्रेनर हो ठीक है फिर से लो भाई फिर से लो देख रहे हो कितने दो चार छ आठ गेरा दिखा रहे एक और दिखाओ तो भाई I'm laughing because my motherfucking life is a mess, but I've made it. We're done with the marriage, and now we are heading back to our home. It's almost to, I think, 12:30. खाना 10 में से कितना? 10 में से शायद 10:30. 10 में 10:30? Yeah, snacks से लेके dinner, फिर sweet dish, ice cream सब कुछ ही बहुत ही लाजवाब था. अबे तू तमीज से बोल ना मतलब थोड़ा लहरा फैला के मत बोल अपना जो है मैं मानो वो तो मैं पहले ही इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ क्योंकि मेरे भाई ये कही है कुंवर ठीक है क्योंकि मैंने बताया कि जो मेरे व्लॉग्स होंगे वो चार पांच लोग हैं मेरे उनके साथ ही होंगे क्योंकि भाई तुम्हारे साथ ही घूमने जाता हूँ जो भी है तो अपना साथ में ही है ठीक है चलो खाना 10 में से 10:30 दे दिए 10 में से 10:30 ठीक है बहुत अच्छा भैया कैसे लग रहे थे भैया बहुत अच्छे लग रहे थे अनएक्सपेक्टेडली बिकॉज शगन में वो अच्छे नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी उनका ड्रेसिंग जो भी था ड्रेस जो था वो अच्छा नहीं था और अब आ गई भाभी की बात भाभी तो अच्छी है ही वैसे भी शादी में दुल्हन अच्छी लगती और एक और चीज़ बता दूँ जितने भी आप लोग देखोगे नाचते हुए या कुछ भी करते हुए वो सारे जिम के ही है ये मत समझना बार आती है जिम की बहुत जनता आई हुई थी वो
जिम वाले ही थे बारात में, आई थिंक 50-60% जिम के थे, बाकी जो उनके रिलेटिव्स हैं मामा मौसा फूफा ये सारे थे। तो ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया शादी थी, और शादी थी। अब देखते हैं साहिल भैया कितने दिन बाद ट्रैक पे आते हैं। ठीक है, जब तक जिम आते हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने आई थिंक मुझे जिम दोबारा ज्वाइन करना चाहिए। आई हैव गेन्ड लाइक 4 kgs इन लास्ट 7-8 months जब से मैंने जिम छोड़ा। तो बेस्ट डिश बता दे भाई, क्या लगे बेस्ट डिश? आई थिंक वॉज दिस थिंग, अरे ये बहुत अच्छा था यार, चाप, मलाई चाप। मलाई चाप बहुत अच्छा था, और मलाई चाप सोया वाली थी वो, ठीक है ना? हाँ, वो नहीं थी, क्या होती है तुम्हारी? बट दोनों में फर्क कैसे पता करेंगे? फर्क मैं बता देता हूँ, फर्क कैसे करेंगे, जो तुम्हारी कौन सी होती है दूसरी? मैदे वाली। जो मैदे वाली चाप होती है, जब आप उसे अलग करते हैं ना, जब आप मान ले रोटी से काट रहे हो तो रबड़ घटती है वो, एक तरीके से बहुत लंबी खिंचेगी वो। ठीक है, जब आपकी आप सोया वाली चाप खाते हो बहुत इजिली सॉफ्ट होती है, उस टाइम भी तूने बोला था कि सॉफ्ट है। हाँ, सॉफ्ट है बेसिकली। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। अब टेस्ट में तो मैं आपको कैसे बताऊँ, टेस्ट का तो अब आपको वो बनाने वाले के ऊपर है कि टेस्ट का क्या हिसाब है। बट मेरे को मशरूम भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा मशरूम में एक्चुअली कॉर्न पड़ा हुआ था, वो बेबी कॉर्न पड़ा हुआ था, वो बहुत अच्छा लग रहा था, विच वॉज समथिंग डिफरेंट। और मीठे में डेजर्ट में मुझे सबसे अच्छा वो लगा शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा था यार, मैं तो उसे ब्राउन ब्रेड बोल रहा था, उसमें होता क्या है? शाही टुकड़ा इज अ इस्लामिक डिश, मोस्ट मैंने जब लास्ट टाइम खाया था तो मैंने जामा मस्जिद के पास खाया था कहीं पे। ठीक है, शाही टुकड़ा वाकई में काफ़ी अच्छा होता है, और अगर वो हाइजीनिक कंडीशन में प्रिपेयर कर रखा है तो उसके टेस्ट में तो मतलब 4 चांद लग जाते हैं। कौन दे यार, क्या कर रहे हैं बीच में, इधर लेफ्ट में ले, अभी इधर ही ले। तो यार शाही टुकड़ा सबसे मस्त था, शाही टुकड़ा अच्छा। और मैं बता दूं तू भाई, तूने ड्रिंक भी की थी क्या? नहीं भाई, मैं ड्रिंक करता हूँ। मैं क्या बता, आज भैया की शादी है तो कुछ नहीं। और अपना भी बता दे भाई, तू फूड विराम वाला, इसे इतनी नॉलेज क्यों है फूड की, ये खुद ही बता देगा। बेसिकली मेरा स्टार्टअप है फूड विराम करके, जिसमें वी प्रोवाइड हाइजीनिक रेस्टोरेंट्स ऑन हाईवेज, तो इसलिए मेरे थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम यूजर नेम बता दे, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। हाँ, मैं लिंक्स ऑन हाईवे से आप मेरे को सर्च कर सकते हो। और फूड विराम वाले बता दे। और फूड विराम का तो ठीक है, मतलब स्टार्टअप है अपना, वी आर वर्किंग ऑन इट फ्रॉम पास्ट 6 months। तो मोर ऑर लेस इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, कनेक्ट विद लॉस्ट ऑन हाईवे, यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ ट्रैवल स्टोरीज ओवर देयर। ठीक है, और कुछ बोलना है? आई थिंक काफ़ी लेट हो गया है, तो वी नीड टू यू नो कंसंट्रेट मोर ऑन ड्राइविंग एंड ऑल्दो ही इज ड्राइविंग, बट ठीक है, चलो बाय बाय, ओके, थैंक यू, टेक केयर। यार कुत्ते बहुत हैं, और कुत्ता उत्ता ना काट ले यार। ठीक है, तो जो ये मेरा पहला व्लॉग था, जैसे भी बना यार सपोर्ट कर देना, ठीक है, सपोर्ट कर देना। माइक ये रहा, इसका कुछ यूज़ हुआ नहीं, और एक ट्राई किया अपनी तरफ से बनाने की, और सपोर्ट करना, ठीक है, और मोटिवेशन मिलेगी मेरे को। तो ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर दूँ, देख के आना पड़ेगा क्योंकि कुत्ते बहुत होते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।